हमुन तूफान ने बांग्लादेश में जमकर बरपाया कहर। हमुन तूफान ने बांग्लादेश में ली 3 लोगों की जान। भारत में हमुन तूफान ने कैसी मचाई तबाही। ये हमुन चक्रवात की तस्वीरें हैं। हमुन चक्रवात ने बुधवार को तूफान का रूप लिया और ऐसा कहर बरपाया कि बांग्लादेश में इसने तबाही मचा दी। हमुन तूफान की वजह से बांग्लादेश में अब तक 3 लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं बांग्लादेश के कई इलाके अस्त व्यस्त हो गए हैं। बांग्लादेश के समुद्री तट से टकराने के बाद हमुन तूफान ने सैकड़ों घरों को तबाह कर दिया है, जहां राहत बचाव कार्य जारी है। बांग्लादेश के चटगांव समुद्री तट से टकराने के वक्त इसकी रफ्तार 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। हालांकि हमुन तूफान अब कमजोर तो हो गया है, लेकिन इसका असर गुरुवार यानी 26 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। इसका बांग्लादेश में असर तो रहेगा ही। IMD के मुताबिक मिजोरम के साउथ में ये अभी दबाव के रूप में मौजूद है, जिसकी वजह से मिजोरम में भी तेज हवाएं और बारिश जारी है। मिजोरम में क्या स्थिति रहेगी, बता रहे हैं IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमा शंकर दास। साइक्लोन हमुन दैट हैज बीन वीकेंड एंड नाउ लाइज एज अ डिप्रेशन ओवर मिजोरम, साउथ ऑफ मिजोरम अराउंड 110 किलोमीटर ऑफ आइजल। इन पर्टिकुलर दिस वेरी सीवियर साइक्लोन स्ट्रॉम दैट इज हाइस्ट विंड स्पीड इन साइड ऑफ सी व्हेन इट इज इन साइड बे ऑफ बंगाल इट इज अराउंड 120 टू 130 बस्टिंग अप टू 145 KMPH एंड द सिस्टम ड्यूरिंग द लैंडफॉल इट इज अ वीकेंड इन टू ए साइक्लोनिक स्ट्रॉम एंड हाइस्ट विंड स्पीड रिपोर्टेड वॉज 75 to 85 गोस्टिंग टू 95 KMPH एंड इन एसोसिएशन रेनफॉल एक्टिविटी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी हैज बीन विटनेस्ड ओवर ओडिशा एंड इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग पास्ट डे बिफोर यस्टरडे द हाइस्ट रेनफॉल वॉज अराउंड 52 mm ओवर पारादीप एंड देर इज नो सिग्निफिकेंट डैमेज ओवर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बट सम रेनफॉल एक्टिविटी ओवर सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टूडे ऑल्सो वी हैव मीन्स सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर्टिकुलरली त्रिपुरा एंड मिजोरम दे आर गोइंग टू विटनेस रेनफॉल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम एंड सिस्टम हैज करंटली लाइंग ओवर मिजोरम एज ए डिप्रेशन एंड लाइकली टू फर्दर वीकेंड इन टू ए वेलमार्क लो प्रेशर एरिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 आवर। IMD की माने तो हमुन चक्रवात तूफान बनकर बुधवार की रात 9 बजे बांग्लादेश के चटगांव तट से टकराया था, जिसके बाद इसके निम्न दबाव के क्षेत्र को कमजोर होने की भी बात IMD ने बताई है। उत्तरी मिजोरम और उससे सटे मणिपुर और म्यांमार पर इसका दबाव कमजोर पड़ना बताया गया है। वहीं अब इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ने की संभावना है। वहीं अगले 12 घंटों में ये और भी कमजोर पड़ेगा। फिर भी 26 अक्टूबर को इसके असर की वजह से बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर तो अभी बारिश जारी भी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी से हमुन चक्रवात पनपा था, जिसकी रफ्तार 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। हालांकि इसके तूफान बनने तक इसकी गति 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रह गई थी। फिर भी इसने बांग्लादेश में 3 लोगों की जानें ले ली और सैकड़ों घर तबाह कर दिए। वहीं भारत में इसका असर तो हल्का ही दिखा, लेकिन इसकी वजह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में तेज हवा और बारिश बदस्तूर जारी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।